तो गाइस कल जो जगह पे वीडियो एंड किया था उधर से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। ये है अपने एकेडमी के साइड में और जो अपना ऊपर ऑब्जर्वेटरी था ना, उन दोनों के बीच में ये ऐसे दो घर डाल दिए गए और इधर कार भी खड़ी हुई है। मैं आपको ऊपर जाके भी दिखा देता हूँ कि आखिर अपना ऑब्जर्वेटरी कैसा दिख रहा है। कोई भी जगह मतलब पुरानी है ही नहीं। और आज थोड़ा वीडियो जल्दी शूट कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी थोड़ा जल्दी मिल जाए वीडियो। और आज लॉगिन करने पे आप सभी को जय कैरेक्टर फ्री मिल जाएगा, तो जाओ और लॉगिन कर लो। और उसका कैरेक्टर बंडल भी फ्री मिल रहा है तो उसे भी क्लाइम कर लो। और तो और एक AK-47 का भी स्किन फ्री मिलने वाला है। तो गाइस ये आप देख ही सकते हो अपना ये है ऑब्जर्वेटरी। और इधर इमोट के लिए अलग से मतलब जो जो जगह है ना पूरी मतलब नीचे का जो स्टाइल्स वगैरह थी ना उसका कलर चेंज कर दिया है और अंदर से भी पूरे घर चेंज कर दिए, तो कुछ अच्छा लुक्स आ रहा है नो डाउट। तो भी मैं पहले जोन में जाता हूँ, कुछ हिल बिल कर लेता हूँ। मैंने आपको दिखाने के लिए जोन से बाहर आया था और भी आपको बीच में हैंगर भी दिखाते हुए जाऊँगा। और कल मैंने जो जो चीज़ें नहीं दिखाई थी, क्लॉक टावर, पुची नॉक, वो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो गाइस अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि गाइस आपके सपोर्ट की हमें कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है। तो गाइस अभी हम है हैंगर के ऊपर और मतलब ऊपर से भी का जो मैप का पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी बहुत सही दिख रहा है और नीचे से भी अच्छा लग रहा है। इसके दो अपडेट पहले है ना ऊपर से मैप पे वो क्या डाल दिया था, ज़्यादा फॉगी कर दिया था ऊपर से, तो आपको मैप सही लग रहा था, पर नीचे आने के बाद कोई चेंजेस नहीं था। पर इस बारी भैया पूरा मैप ही चेंज कर दिया है। और ये है अपना क्लॉक टावर, ये क्लॉक टावर के पीछे वाली जगह है और क्लॉक टावर के नीचे की जो ज़मीन थी उसे भी चेंज कर दिया है। और मेरा है ना VPN से चला रहा था तो थोड़ा गाइस लैग कर रहा था, पता नहीं क्यों पर लैग कर रहा था, इसलिए बीच बीच में कई कई पर गेम अटक रहा था, तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें बीच में कट क्रॉप भी कर दिया है। और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो उधर भी फॉलो कर दीजिए। मैं उधर अपने मॉन्टेज की क्लिप्स और न्यू अपडेट्स आने वाली होती है तो उधर भी डाल देता हूँ, तो उधर भी फॉलो कर दीजिए जिससे आपको भी थोड़ा जल्दी पता चल जाएगा। और अगर गिव अवे भी करेगी तो भी उधर जल्दी पता चलेगा। तो अभी हम आ चुके हैं फैक्ट्री के ऊपर और फैक्ट्री का कुछ ज़्यादा लुक नहीं चेंज किया, पर उसके भी नीचे से जो पत्थर वगैरह था मतलब जो नीचे की स्टाइल्स थी वो इधर भी चेंज किया हुआ और इधर साइड पे एक घर था वो भी चेंज कर दिया है। अभी मैं आपको जाके दिखा देता हूँ मार्स इलेक्ट्रिक, उधर वैसे जोन आने वाला है अभी, तो फिर भी आपको दिखा देता हूँ। और फिर चलते हैं पुचिनॉक और छोटे छोटे घर भी बहुत ऐसे ही कर दिए लोगों ने, दरवाज़ा लगा दिया होता तो पबजी जैसा ही लगता, दरवाज़ा लगा देना चाहिए था, दरवाज़ा ही नहीं है सिर्फ वो छोटे छोटे घर पे, और बड़े घरों में भी दरवाज़ा लगा देते तो भैया सेम हो जाता है। ये दो गैराज है साइड के और ये है अपना मास इलेक्ट्रिक का मेन जो बड़ा सा इसे क्या बोल सकते हैं, यार्ड या ग्रेव यार्ड जो भी बोलो आप इसे, वो है। और ये अंदर से मैं खुद के भी दिखा देता हूँ यार आपको, ये कुछ इस तरह का अंदर से ना कोई चीज़ें पुरानी है ही नहीं। और ये जो अपने कंटेनर से ना जो येलो ब्लू वाले उनका थोड़ा कलर हाईलाइट कर दिया है तो अच्छा लग रहा है वो भी। तो अभी मैं फिर से एक और गेम खोल दिए और इधर जा रहे हैं अभी इस बारी पुचिनॉक, तो पुचिनॉक भी आपको दिखा देता हूँ मैं। तो ये ऊपर से पुचिनॉक कुछ इस तरह का लगता है। ये जो घर है ये है अपना डबल डोर जैसा है, डबल डोर से थोड़ा चेंज लगेगा पर है तो डबल डोर ही। ये भी ये है पुचिनॉक का डबल डोर और ये है अपना सीमेंट हाउस पुचिनॉक का, और ये सीमेंट हाउस का बाजू वाला घर है। ये पहचान में आ रहा हो तो बताओ, ये कुछ ऐसा स्प्रे जैसा स्कैन है जो भी आपको मिल रहा है ना प्लान बरमूडा का, वैसा ये फ्री फायर लिखा हुआ है। और ये है अपना वो क्या नाम है इसका, हाँ ये सीमेंट हाउस है। ओके तो इधर ये जो छोटे छोटे है ना ये मेरे को दुकान जैसा लग रहा है, अंदर कुछ खाने के लिए होगा ऐसा लग रहा है, दूर से ऐसा लग रहा है क्योंकि ऊपर वो शटर जैसा कुछ रखा है। तो आप सभी को पता है गाइस ये क्या है, आपको पता हो तो बताओ, इससे रिलेटेड कोई मोड आने वाला है शायद गेम में, तो क्या होगा आपको पता है तो नीचे कमेंट करो। और गाइस अभी कुछ दिखाने के लिए कुछ रह तो नहीं रहा,
फिर भी आप लोग को कुछ भी अगर लग रहा है कि भाई मैंने नहीं दिखाया तो आप कमेंट कर सकते हो। और सोच रहे भैया अभी आपको क्या एडवेंचरों की वीडियो डाले या वांटेड डाले, तो आप लोग कमेंट कर देना, हम वो वीडियो ला देंगे नेक्स्ट में। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं पुचिनॉक से, और ये है पुचिनॉक के ऊपर जो गराज था ये, और अभी हम आए हैं कोटाटुआ, तो आप कोटाटुआ का भी लुक देख लो। ओके, इसमें जो मैप में बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं ना, सारे जो घर थे उसको हटा दिया, उसके बाद सारे जो पेड़ पौधे थे उनका कॉन्ट्रास्ट हाई कर दिया, जहाँ जहाँ पे कवर नहीं था वहाँ पर के कवर के लिए एक छोटे छोटे पेड़ है, आप नोटिस नहीं करते ना तो उधर भी सर्वाइव हो सकता है आई थिंक। तो गाइस ये है अपना जो केप टाउन के पीछे है ना, उसके पीछे एक छोटे जो घर थे ना, तो वो है। और अभी मैं आपको मील का लुक भी दिखा देता हूँ जो मैं भूल गया था। तो अभी आ चुके हैं मैं हम मील पे, तो ये है गाइस मील का लुक। ओके, अंदर से आपको ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेगी, थोड़ा थोड़ा माइनर चेंजेस है, पर सारे घर एक जैसे तो नहीं है, मतलब एक प्लेस से एक प्लेस जाओगे तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस आपको दिखेगा घर के अंदर, और कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टिल देन कीप वॉचिंग, बाय।